टीवी इंडिया। नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। इस घटना ने जिसमें कि 70 से ज्यादा हमारे जवान मारे गए, एक बार हिंदुस्तान के उन हिस्सों में इस बात को पहुंचाया कि नक्सलवाद कितनी बड़ी समस्या है, जो शायद अभी तक उसकी तरफ अपनी निगाहें नहीं ले जा पाए थे। लेकिन साथ में ये भी सवाल उठ गया कि क्या सरकार की अभी तक की स्ट्रैटेजी इससे निपटने के लिए, रणनीति इससे निपटने के लिए सही है। इन सब के बीच खबर यह आई कि देश के गृहमंत्री चिदम्बरम साहब ने अपने इस्तीफे की पेशकश की और उसे ठुकरा दिया गया। उसे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद ठुकरा दिया। पॉलिटिकल पार्टीज भी खुलकर समर्थन में आई चिदम्बरम साहब के और कहा कि ये वक्त नहीं है उनके अपने जिम्मेदारी से पीछे हटने का। लेकिन कहीं ना कहीं क्या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी अभी तक सही है? इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा है कि क्या पी चिदम्बरम साहब को गृहमंत्री की कुर्सी पर बने रहना चाहिए। आप अपनी राय लगातार हमें भेजिएगा इस प्रोग्राम में। और अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूं हमारे बहुत ही खास पैनल से, और उसके बाद मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों की राय क्या आती है। मेरे साथ मनीष तिवारी मौजूद है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मनीष तिवारी मेरे साथ मौजूद है। फौज की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इस तरह के मसलों को टैकल करने के लिए। जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ मौजूद है। कंचन गुप्ता मौजूद है मेरे साथ, एक पुराने जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, और कंचन पहले भी इस इशू पर हमारे साथ मौजूद रह चुके हैं। मेरे साथ हिमांशु कुमार जी हैं। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि 20 साल से ज़्यादा इन्होंने बस्तर के उन इलाकों में काम किया नक्सलियों के साथ, जिन इलाकों का आप जिक्र देखते हैं और उनकी समस्या आपको आज नजर आ रही, क्या जमीनी हकीकत है और उसमें सरकार क्या कर सकती है, उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। और मेरे साथ होंगे शिवानंद तिवारी जी बिहार से हैं, वहाँ के एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो भी इस समस्या को बदलते हुए बहुत सालों से देखते हैं। सबसे पहले वक्त हमारे इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले इस समय की मनीष तिवारी, इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। लोगों को अभी तक ये लगने लगा है कि शायद जो सरकारें रही हैं, इसमें अकेले कांग्रेस का सवाल नहीं, पहले की भी सरकारों को हम पे सवाल पूछेंगे, वो अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता पाई या बना पाई जो नक्सलवाद से निपट सकती है। अभिज्ञान जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, इस पूरी समस्या को एक परिपेक्ष में देखने की जरूरत है। देखिए, हर आदिवासी माओवादी नहीं है और हर माओवादी आदिवासी नहीं है, इस बात को बिल्कुल साफ तौर से समझने की जरूरत है। मैं ये फर्क इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो माओवादियों का संगठन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, वो साफ तौर पर ना तो आपकी कानून प्रणाली में, ना आपकी संसदीय व्यवस्था में, ना आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो आपकी जीवन जीने की पद्धति है जिसको 62 साल से आपने अपनाया है उसमें विश्वास रखती है। उनका यह मानना है कि हिंसा से जो ये चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसको किस तरह से पलटा जाए। मैं दूसरे बड़े सवाल पर आऊंगा। अगर देश के गृहमंत्री खुद ये सोचते हैं कि अभी तक जो हुआ या इस तरह की जो घटना हुई उसके लिए वो अपने आप एक जिम्मेदार महसूस करते हैं और वो अपनी कुर्सी से हटना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं संभव? आप क्यों रोकना चाहते हैं उन्हें? मैं व्यक्तियों पर नहीं जाना चाहता। भारत के गृहमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति है, और जब इस तरह का कोई हादसा होता है जिसमें सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं, तो एक स्वाभाविक तौर पर जो एक सेंसिटिव व्यक्ति होता है, संवेदनशील व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो उस परिपेक्ष में उन्होंने जो भी पेशकश की, पर मुझे नहीं लगता कि ये सवाल इस समय बुनियादी है। सवाल आज ये है कि ऐसे संगठनों से किस तरह से निपटा जाए।
एक राय ये है कि विकास की जो गति है उसको आपकी आपकी सरकार की या किसी भी सरकार की स्ट्रैटेजी से, अगर आपके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस कुर्सी पे बनाए रहना चाहिए, वो ये साथ में इसका मतलब ये एडमिट कर रहे हैं कि अभी तक आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें कमी है, उसमें काम रणनीति में कोई कमी नहीं है, सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है।